नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मौनी फूल का एक और कविता, जिसका नाम है ई बच्छर हतई दादा का शादी, मतलब इस साल होगा भैया का शादी। ठीक है, चलते हैं हम लोग उसका कविता पे। ये है हमारा कविता, ई बच्छर हतई दादा का शादी, मतलब इस साल होगा भैया का शादी। ठीक है, शादी होगा, बराती जाएंगे। ई बच्छर हतै हमर दादक शादी, तिलक दहेज लेबै हमिन गादी, हमन एखन बाढ़ल है स्टेटस, अपन समाजे है एह फोकस, आ जाए कर है 500 मनक चास, घरे है लक्खी केर बास, देखी सुनी कतेलक होवा हतास। ठीक है, ये पूरा लाइन है, कहता है इस साल होगा मेरे बड़े भैया का शादी। ठीक है, मेरे बड़े भैया का शादी होगा और हम लोग तिलक दहेज जो हैं वो गाद के लेंगे, मतलब एकदम हुमच के लेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उतना लेंगे, बहुत लेंगे। ठीक है, हमने के अखन बढ़ा है स्टेटस, हम लोग का भी स्टेटस बढ़ा हुआ है, समाज में हम लोग का स्टेटस बढ़ा हुआ है और हमारे समाज में यही फोकस है कि जो जितना लेगा वो उतना ऊँचा माना जाएगा। आ जाए करे 500 मनक चास, आ जाए मतलब आ जाए, क्या होता है आ जाए, मतलब दादाजी होता है। ठीक है, दादाजी करते हैं 500 मन का चास। मन क्या होता है, मन मतलब होता है एक मन मतलब 40 किलो। ठीक है, एक मन इक्वल टू 40 किलो। तो बोलते हैं 500 मन एक चास, मतलब बहुत ही भरा पूरा घर है, अमीर घर है, धान का कमी नहीं है, खाने का कमी नहीं है, घर है लक्खी के वास, घर में लक्ष्मी का वास है, लक्खी मतलब लक्ष्मी जी, घर में लक्ष्मी का वास है। और ये देख सुनकर जो है कितना लोग हताश होता है, कितने लोग आदमी हताश हो जाते हैं, ओह उनको दुख लग जाता है, अरे इतना कहाँ से लाया ये लोग। घर है अखन 5 गो ग्रेजुएट, अपन अपन काम है सभी हथिन सेठ, ई बच्चर आ जाए देतक ददक शादी, टका ले बोए मनक मतन गादी। ठीक है, हमारे घर में 5 ग्रेजुएट है, 5 है जो ग्रेजुएट हैं और सभी अपने अपने काम में सेठ हैं, अभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कोई बेगारी नहीं है, सब अपना धंधा में लगे हुए हैं। इस साल जो है दादाजी मेरे भैया का शादी करेंगे, है ना, इस साल जो है मेरे भैया का शादी देंगे और हम लोग टका लेंगे, मतलब रुपया लेंगे एकदम हुमच के, जितना सकेंगे गाद के। ठीक है, बढ़िया से। बाप हमर भेल डॉक्टर, तकर संगे दादा कंपाउंडर, काकाएं कर है मास्टरी, हजारों टका हमें अर्जी है घोरी फेरी। ठीक है, मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं, उन्हीं के साथ भैया कंपाउंडर हैं और मेरे चाचा जी जो हैं वो मास्टर हैं और हम जो है घूम फिर कर ही हजारों रुपया कमा लेते हैं, अरज लेते हैं मतलब कमा लेते हैं। हमिन है बड़ा बड़ा अट्टालिका, सॉरी हमनिक है बड़ा बड़ा अट्टालिका, पढ़ा सुना कर हत सभी बालक बालिका, घर ही चलो है 2 गो दुकान, धान चार टका पैसा नखई ठेकान। मतलब हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा अट्टालिका है, अट्टालिका क्या होता है, महल, है ना, महल के ऊपर महल है, बहुत बड़ा बड़ा महल है और हम लोग घर जितने बालक बालिका हैं, बच्चे हैं, सभी पढ़ा लिखा कर रहे हैं, सब पढ़ते हैं, घर में ही 2 गो दुकान चलता है, घर में ही 2 दुकान चलता है, 1 दुकान नहीं 2 दुकान चलता है और घर में टका पैसा धान चार ये सब का कोई कमी नहीं है, भरपूर है। आजक मन जुड़ाते दयक ददक शादी, नाना रकम जैतुक मिलते गादी, हमर आजा हत बड़ी हुरमुठ, कभी नहीं बचकला तनिको झूठ। ठीक है, आजा का मन शांत तभी होगा जब हम भैया का शादी करा देंगे, जब हम लोग भैया का शादी करा देंगे तभी उनका मन जो है वो शांत होगा। ठीक है, बहुत तरह का सामान मिलेगा उसमें शादी में, दहेज भी मिलेगा और भी मिलता है ना, वो सब ध्यान रखा हुआ है कि बहुत तरह का मिलेगा। और दादाजी थोड़े हरमुट हैं, मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है, तो जिद्दी टाइप में हैं, लेकिन कभी भी वो झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते हैं, अभी तक आज तक कभी वो झूठ नहीं बोले हैं। उनकर चलन है सादा शादी से लागत तानी कुन रूढ़ीवादी, उनका जो चलन है मतलब उनका रहन सहन है वो सादा है, सिंपल है, साधारण है, लेकिन थोड़ा रूढ़ीवादी है, रूढ़ीवादी है मतलब पुराने जमाने को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। 2 गो नातिक सादा करला शादी करला फ्री, ससुरे का वो देखलती न हैरी, 2 गो नाती का वो शादी दिए हैं फ्री में, फ्री मतलब कोई दहेज नहीं, फ्री में।
दो नाती का शादी किए हैं वो फ्री में, ससुर कभी ना देखल थी फ्री, उनका ससुर कभी घूम के आके देखा नहीं है। एखन पड़ल है हमने पाला ई जुगे की यार फ्री शादी करब भला, अभी तो हम लोग का पाली है ना, हम लोग इस युग में कोई फ्री का शादी कर सकता है क्या, कोई करता है क्या, नहीं करता है। दादा के देवे ई बच्छर शादी घरे आते नाना रकम जिनिस गादी, इस साल तो भैया का शादी देंगे, घर में आएगा बहुत तरह का सामान भी आएगा, जिनिस मतलब सामान बहुत तरह का सामान आएगा। एखन जैसन भैल है बाजार, एखन जैसन भैल है बाजार, छगरी गोरखियाँ पावहत 9,000। अभी जैसा बाजार है मार्केट है उसमें तो जो बकरी चलाने वाला होता है चरवाहा होता है उसको भी 9,000 मिलता है दहेज, ठीक है, उसको भी 9,000 दहेज मिलता है। गोरखी छाड़ी छाड़ी करते कते घर थक हथौड़ी धरला थोड़ा हथौड़ी रोज कर हथ कुरमेरी दौड़ा दौड़ी। गोरखी छोड़ के मतलब वही जो चरवाता है चराता है जानवर लोग को वो छोड़कर कितना कोई हथौड़ी पकड़ लिया, ठीक है, ये धरलत होगा, पकड़ लिया हथौड़ी पकड़ लिया, हथौड़ी पकड़ा मतलब मजदूरी करने लगा, ठीक है। रोज करा हथ कुरमेडी दौड़ा दौड़ी, रोज कुरमेडी आना और जाना करता है, कुरमेडी जगह का नाम है जहाँ वो लोग मजदूरी करने जाता है और आता है, कितना कोई है जो ऐसा करता है। उनका का मांगे का नखे ठेकान, उन लोगों का मांग का ठिकाना नहीं है, ठीक है, वो लोग भी अनठिकान मांगता है। कन्याएक बाप दौड़ा हथ पायक पाइके पयान, 40,000 भैल है स्टैंडर्ड रेट, दैले खुलते बापक बोरेक बापक गेट, ठीक है। कन्या का बाप मतलब लड़की का बाप जो है जैसे खबर मिलता है कि वहाँ लड़का है दौड़ के आता है, दौड़ के आता है, और आज के डेट में स्टैंडर्ड रेट जो है वो 40,000 का है, एक दूल्हा बिकेगा कम से कम 40,000 भैया, ये स्टैंडर्ड रेट है, कोई 40,000 लिया मतलब हाँ वो दूल्हा सही है अच्छा है 40,000 लिया है, इतना देगा तभी तो बोर के बाप का गेट खुलेगा मतलब उसके घर का दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो बाहर से ही बाय बाय। हमर दादा के जरूर होते शादी, हमिन धरब मलमल छाड़ खादी छाड़ब खादी, बरक मालिक हता हमने के मामा, जय दिन बदलत जय दिने बदलत 3 बेर जामा। हम लोग का भैया का शादी होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, और हम लोग सब जो हैं खादी छोड़कर मलमल पहनना शुरू करेंगे, खादी छोड़कर मलमल पहनना शुरू करेंगे, और हम लोग के जो मामा हैं वो दूल्हे का मालिक बनेगा, मामा ही शादी का शादी करवाएंगे, सारा पैसा कौड़ी लेंगे, जो करना है करेंगे, वही मालिक बनेंगे। और मतलब मामा कौन कौन मामा जो दिन भर में बदलते हैं 3 बार जामा, मतलब दिन भर में 3 बार कपड़ा चेंज करते हैं, देखिए दिन भर में 3 बार कपड़ा चेंज करते हैं, हम लोग एक को पहनते हैं सुबह तक शाम तक उसको रगड़ते रहते हैं, अरे दिन भर में 3 बार खाली कपड़े चेंज करता है, वो आदमी बनेगा मालिक, वही मामा है जो बनेगा मालिक। उनखर मुँह है हन बड़ी चाटी, तुरंत चढ़ब तू हिमालय चोटी, उनखर है जैसन मुसियानी, राखत अपन तसने गारदानी, मतलब उनका मुँह का चाटी है मतलब बहुत बोलने वाले हैं, ठीक है, बोलने में बहुत माहिर हैं, तुरंत आपको हिमालय का चोटी में चढ़ा देंगे, इतना आपका तारीफ कर देंगे कि तुरंत लगेगा आप हिमालय का चोटी पर पहुंच गए, कितना ऊंचा उड़ गए, ठीक है। लेकिन जैसा वो बोलते हैं जैसा वो करते बोलते हैं जिनको उनका जो ऐसी बातें हैं वैसे उनके कारदानी भी है, मतलब ऐसा वो कर भी सकते हैं, जो बात बोलते हैं वो बात करते भी हैं, ठीक है। बाप के चुप रह ले कहबई, मामू से ही सब काम बनेबई, ई बच्छर दादा की शादी हतई हतै शादी घरे हतै नौतन आबादी, मतलब पापा को चुप रहने बोलेगा, चुप रहिए आप कुछ बोलिएगा नहीं, ठीक है, एकदम चुप रहिए कुछ नहीं बोलिएगा, मामा से ही सब काम निकालेंगे, मामा को ही कर देंगे आगे, मामा आप ही लगिए तो देखिए तो क्या होता है, ठीक है। इस साल तो भैया का शादी देके रहेंगे, घर में नया आबादी आएगा, आबादी आएगा मतलब क्या भाभी आएगी ना, भैया का शादी होगा तो भाभी आएगी, बाकी उसके बाद जो आएगा सो तो आएगा ही, लेकिन यहाँ तक ये बातें हैं। आगे फल्ला का बेटा पहले 50,000 और गादी सोना चांदी, पलंग सोफा सेट टीवी रेफ्रिजरेटर स्टील बर्तन गादी, ठीक है। फल्ला का बेटा बना वो आदमी का बेटा, किसी का नाम होगा वो आदमी का बेटा, ये कहता है ना किसी को जानते नहीं है किसी बारे में तो बोलते ना अरे फलना वहाँ से वहाँ गया था, मतलब कोई भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। उसका बेटा 50,000 पाया और सोना चांदी भी पाया, साथ में पलंग सोफा सेट टीवी फ्रिज स्टील बर्तन सब लेके आई, ओकर से हमनी है बेसी योजन, ओकर से हमनी है बेसी योजन, बिना आमदनी बाप करत नहीं भोजन,
जखन लोग खाहा तीन बेर हमने खाया मारी कटी दो बेर, मतलब उन लोगों से हम लोग का ज़्यादा वजन है, हम लोग उससे ज़्यादा मोटाइल हैं, हम लोग उससे ज़्यादा अमीर हैं। और बिना आमदनी के पिताजी जो है वो खाना नहीं, भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। पहले 200 रुपया कमा लेंगे तब वो पानी पियेंगे चाहे चाय पियेंगे। और जब आदमी 2-3 बार खाता है, हम लोग जो है 2 बार खाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या सेंस नहीं कर सकते हैं हम लोग। दो हम ही खाए मारी काटी 2 बार, मतलब हम लोग 2 बार खाते हैं मार काट के। मार काट के मतलब क्या होता है? मीट मछली मुर्गा होता होगा, हो सकता है। ऐसी भले ना लकी माया कृपा हमनी दे नहीं पाए दिने जैसन पैचा। ओकरे बेटी के संग होते दादक शादी जे दिए पड़ते टाका नगदा नगदी। कि हम लोग जो हैं ऐसे ही, हम लोग के घर में ऐसे ही लक्ष्मी माँ का कृपा नहीं है, लक्ष्मी माँ का कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। हमने देखे नहीं पाया दिने जय दिन जैसन पैसा पैंचा, मतलब कभी भी हम उधारी नहीं लेते हैं, कभी किसी से हम लोग उधारी नहीं लेते हैं। पैसा मतलब उधारी होता है, ठीक है, कि हम किसी से उधारी नहीं लेते हैं। उसी के बेटी के साथ हमारे भैया का शादी होगा जो नगद रुपया पैसा देने सकेगा, जो नगद नोट गिनने सकेगा, नगद नोट देने सकेगा, उसी से भैया का शादी होगा। समझ लो, जिसका पास पैसा है वही आना भैया, दूसरा कोई नहीं आना। हमिन सभी जनी मरद जाए बरियाती, खाना पिए संगे चलते बोतल बिलियाती, जकरे आते हमनिक अप्रोच, रिजर्व करे हते ओकरा कोच। हम लोग सब जनी मरद पुरुष औरत, ठीक है, सभी को बरात जाएंगे और खाना पीना के साथ भी बोतल भी चलेगा, विलायती बोतल, अंग्रेजी वाला, देसी नहीं चलेगा, अंग्रेजी, ठीक है। जिसको ऐसा करना है, जिससे हम लोग अप्रोच करेंगे जहाँ जाना है, उसको हमारे लिए कोच रिजर्व करना होगा। कोच मतलब क्या होता है? बस रिजर्व करना होगा, है ना, बस भी बुक करना होगा, उसी में चढ़ के हम लोग बारात जाएंगे। कहते कन्या के बाप करला आंगन कादो, नए मानवा मानला के पूछ चेत अर भादो। मतलब कितना लड़की का बाप, कन्या का बाप, लड़की का बाप कितना आया और गया, आंगना कादा करना मतलब परेशान कर देना, ठीक है, आंगना कादा करना मतलब परेशान कर देना, बार बार आना। वे कह रहा है कितना लड़की का बाप जो है आंगन कादा किया, आया गया, कोई नहीं माना, पूछ चेत अर भादो। इसका क्या मतलब होता है? एक होता है ना पूछ महीना, पूछ महीना, चैत महीना और एक भादो महीना, ठीक है, ये तीनों महीना का ना अशुभ माना जाता है। कोई भी नया काम नहीं करता आदमी इसमें, कोई भी नया काम शुरू नहीं करता है। आज भी समाज में देखा गया है कि पूस महीना रहेगा ना, अगर लड़की का शादी के बाद चलाना है तो ये 3 महीना छोड़ के चलाता है। अगर कुछ बात होता है, अरे पूस महीना में नहीं, पूस में नहीं करना है, चैत में नहीं करना है, भादों में नहीं करना है, ठीक है। और एक होता है मलय मास में भी नहीं करना है, ठीक है, ये सब अशुभ है, मानता है अशुभ कि इस समय 3 महीने नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कितना कन्या का बाप जो है आता है, आंगन कादा करता है, जाता है, कोई नहीं मानता है, पूस है कि चैत है कि भादो है, चलो भैया हो जाए तो बढ़िया है। जकर बेटी हते गौरी स्लीमर रूपवती, जकर कंठे बैसल हथिन माय सरस्वती। मैंने जिसकी बेटी होगी गौरी स्लीम रूपवती, सब चाहिए इसको। और जकर कंठे बैसल हथिन माय सरस्वती, जिसके कंठ में माँ सरस्वती बसी हुई है। अच्छा, रुपया पैसा भी लेगा और ये सब भी देखेगा, वेरी गुड। जय करते दादक संगे अंग्रेजी टॉक, सही पैते दादक आधा अंग हक। ई बच्चर हमनी जरूर देवे दादक शादी, घरे जमा हता आपूस गादा गादी, ठीक है। जो भैया के साथ, दादा के साथ अंग्रेजी में टॉक करेगी, अंग्रेजी में बात करेगी, उसी को मिलेगा दादा का आधा अंग होने का हक। आधा अंग क्या होता है? आधा अंग पत्नी को कहते हैं ना अर्धांगिनी, है ना, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग कहा जाता है। वही बोलता है जो भैया के साथ अंग्रेजी में टॉक कर सकता है, उसी को दैया का आधा अंग होने का हक मिलेगा। इस साल तो हम भैया का शादी देख के रहेंगे और घर में आपूस मतलब क्या होता है? मेहमान बहुत जमा होगा, शादी होगा तो मेहमान तो आएंगे ही, एकदम पूरा घर भर कर मेहमान जमा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब लड़की के बाप के रुपया पे इतना उछल कुदरा हो रहा है। चलिए खैर, वो तो खैर दूसरी बातें हैं। कविता ये था, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। इसमें और 2 कविता बची हुई हैं, दोनों को ख़त्म कर देंगे जल्दी ही, इसके बाद चलेंगे किसी और में हम लोग। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।